सिर्फ एक्चुअली मेरी बहुत ये एक खुशनसीबी है कि दावत इश्क का एक हिस्सा बना हूँ मैं भी, और ऐसे वक्त में ऐसे फिल्म आना और लोगों को सराहना जो अभी फैसल साहब ने किया है, क्योंकि आजकल का वक्त बहुत अलग किस्म का चल रहा है और ये बिल्कुल अलग हटके जॉनर जो दावत इश्क हम लोग देखने जाते हैं, फैमिली बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम लोग, चलो हमारी फैमिली देखने जाएगी मूवी जो दावत इश्क है, और उसी का एक एक हिस्सा जो आप लोगों ने सुना जादू टोने वालिया गाना, उसका मैं बना, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो उसकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कंपोज़र साजिद वाजिद साहब का, जो जिन्होंने इस लायक समझा मुझे कि आप ये गाने के लिए आइए, मुझे बुलाया, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद हबीब फैसल साहब ने सुना, बहुत अच्छा लगा, कौसम मुनीर जी ने एक अलग लैंग्वेज अलग थाट में लिखा है कि बम पटाखो वालिया, हाँ धूम धड़ाको वालिया, ये लैंग्वेज लिखना और उसको पिक्चर। एक्चुअली हम लोगों ने जब गाना डब हुआ तो लगा यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है, मगर जिस वक्त फिल्म को देखा तो लगा कि हाँ ये ऐसा जा रहा। जो अभी फैसल साहब ने बहुत ही बाखूब निभाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे बैनर में मुझे गाने का मौका मिला यशराज प्रोडक्शन का। साजिद वाजिद का एक नाम लेजेंड नेम है, और मेरे लिए खुशनसीबी ये है कि मैं उसी ख़ानदान से वाबस्तगी रखता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी है ये सब जो आज हम रूबरू हो रहे हैं, आप तक पहुँच रहे हैं, ये इवन साजिद वाजिद की वजह से कि जिन्होंने एक मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज दुनिया मुझे पहचानती है कि शबाब साबरी। तो जैसे दबंग का मेरा बहुत बड़ा हिट का सॉन्ग रहा और उसी से मेरी पहचान बनी कि शबाब साबरी क्या है, उससे पहले सब चल रहा था गाने आते थे। म्यूजिशियन तो अलग ही जॉनर है, ये तो एक्चुअली मेन जो कॉन्सेप्ट होता है कंपोज़र का होता है, कंपोज़र जिसने जो कंपोज़ किया है गाना, जो सब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद वो किस सांचे में उस गाने को ढालेगा कि क्या क्या उसके अंदर। आज तो ये हो गया कि पहले गाना होते थे तो पहले गाने ही होते थे कि हाँ यार फर्स्ट म्यूजिक मुझे लग रहा है सितार का आएगा तो यहाँ सितार रखेंगे, सेकंड म्यूजिक में सारंगी रखेंगे। आज तो अलग ही जॉनर हो चुका है कि आज तो ये है कि इतना सिंपल सॉन्ग रहेगा और आवाज़ें रहेंगी वॉइस अलग अलग स्ट्रक्चर की। क्योंकि आज मैं एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, आजकल सिंगर की हमारी वॉइस भी जो है, जो आजकल हमारे लोग गा रहे हैं, एक एक गाने को तीन तीन चार चार सिंगर गाते हैं, तो वो सिंगर्स भी जो हैं वो एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक कोई पार्ट हमने किसी का वायलिन कर रखा है या चेलोज कर रखा है या फ्लूट्स कर रखा है, तो इस तरीके से सिंगर को भी यूज़ कर किया जा रहा है आजकल कि हाँ यार ये पार्ट इतना सा पार्ट है तो ये इसकी आवाज़ में ये अच्छा लगेगा, आज ये पार्ट है तो ये गाने के अंदर तीन तीन चार चार सिंगर आ रहे हैं, फ्लेवर देने के लिए अच्छा लगना चाहिए किसी भी तरीके से। मेरी फिल्म आ रही है अभी राम रतन धन पायो, हिमेश जी ने गवाया है उसके लिए, फिर साजिद वाजिद साहब ने गवाया है डोली की टोली के लिए, तो आपको जल्दी गाने सुनने को मिलेंगे उसके लिए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.